लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। यूपी की मेरठ सीट पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। यहां से बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा गठबंधन ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। जी हां, सपा ने सरधना से विधायक अतुल प्रधान, जो कि 41 साल के हैं, उनको कैंडिडेट घोषित कर दिया है। सपा ने पहले भानु प्रताप को अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब अतुल प्रधान विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के बैनर तले चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं बात करें मेरठ लोकसभा सीट से बीजेपी ने अरुण गोविल और बसपा से देवव्रत त्यागी को उम्मीदवार बनाया है। मेरठ में 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इस बार बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर रखा है। बीजेपी और इंडिया ब्लॉक के कैंडिडेट सामने आने के बाद चुनावी चर्चाएं तेज हो चुकी है। सपा उम्मीदवार अतुल प्रधान को कांग्रेस को समर्थन रहेगा, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल को राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, सुभा सपा और निषाद पार्टी का समर्थन मिलेगा। बीजेपी के गोविल रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाकर चर्चाओं में रह चुके हैं और लोगों से खूब प्यार बटोरा है। वहीं इसी कड़ी में अपना नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने मीडिया से खास बातचीत की। मेरठ से भाजपा उम्मीदवार और अनुभवी अभिनेता अरुण गोविल ने कहा, ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये मेरे लिए एक नई पारी की शुरुआत है। मैं रोमांचित हूँ, लेकिन मैं शांत में हूँ, मुझे कहीं भी कोई समस्या नहीं दिख रही है। आइए सुनते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत में और क्या कुछ कहा। जो अभी तक जितना भी मैं जनसंपर्क हुआ है, जितने भी लोगों के बीच में मैं गया हूँ, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा प्यार ये अब मिल रहा है। मुझे देखते ही चारों तरफ बस सिर्फ जय श्री राम ही होता है। हर व्यक्ति नहीं कहना चाहिए लेकिन पांव छूना चाहता है हर व्यक्ति, मतलब लोग साष्टांग दंडवत भी कर रहे हैं। हर व्यक्ति को आशीर्वाद चाहिए, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए, मेरे सर पर हाथ रख दीजिए। सबको पता है कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। चुनावी सभा में भी जो हमने दो चार जगह हमने जनसंपर्क किया, वहाँ भी ये जानते हुए भी कि मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, हर व्यक्ति का भाव वही है। वहीं मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल से जब पूछा गया कि श्री राम का किरदार निभाने पर तो जनता ने आप पर खूब प्यार लुटाया था, तो क्या आपको लगता है कि चुनावी मैदान में भी लोग आप पर वैसे ही प्यार की बरसात करेंगे? इस सवाल के जवाब में आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक नई पारी की शुरुआत है, बिल्कुल, जो मेरे लिए नई है, बिल्कुल नई है, मतलब तो अच्छा लग रहा है। आई एम थ्रिल्ड बेसिकली एंड बट आई एम एट पीस। मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है कहीं भी, सो आई एम एट पीस। मैं जो भी कर रहा हूँ वो, और शायद शांति जो है वो मेरा स्वभाव है भी, और ज़्यादा अब बन गया है। तो एक तो अब इसलिए अच्छा लग रहा है कि अपने अपने घर जैसे वापस आ जाता है इंसान, वैसा है। वहाँ से मुझे प्रत्याशी बनाया गया है, तो आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। और उससे होगा यही कि मैं अपनी जगह के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा, बस यही फील है मेरा। और बाकी तो राम जी ठीक करेंगे सब। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।